रायगढ़ जिले में सेवा सहकारी समितियों के जरिए धान खरीदी की शुरुआत की गई है। धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए सरकार ने तमाम सुविधाएं दे रखी है। इन सुविधाओं का किसान फायदा उठा रहे हैं। आपको ये बताएं कि प्रदेश सरकार ने किसानों के ठहरने के लिए सुविधा भी कर दी है। ये भी बताएं कि धान खरीदी को लेकर समर्थन मूल्य 2500 रुपए में किए वादे और कर्ज माफी के वादे को लेकर केंद्र सरकार में तनातनी भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश सरकार की मांग को केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया था, जिसके बाद सीएम भूपेश ने किसानों की धान खरीदी की शुरुआत की और 1815 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा। प्रदेश शासन के आदेशानुसार 1 दिसंबर 2019 से 15 फरवरी 2020 तक का है। इसमें समिति लोई से अभी 15 कृषकों का तीन गांव का 1081 क्विंटल का टोकन कटा है, जो सोमवार से आउट होगा उनका। छत्तीसगढ़ सहित रायगढ़ जिले में सेवा सहकारी समिति के माध्यम से धान खरीदी किए जाने का आज पहला दिन है। आज रविवार का दिन है, इसलिए किसान तो कम है यहाँ पर, लेकिन आज विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ ही धान खरीदी केंद्रों का शुभारंभ कर दिया गया है। हम लोगों का सोमवार को है जी टोकन इशू हुआ है हम लोगों का। हम लोग सोमवार को धान लाएंगे। कितना क्विंटल आप धान देंगे अभी? मैं 60 क्विंटल दूंगा।